प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत अपनी सुरक्षा का दायरा मजबूत कर रहा है। देश में 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। कोविन पोर्टल के डाटा के अनुसार अब तक 7 लाख से अधिक किशोर किशोरियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार शाम 8 बजे तक 40 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एकमात्र कोविड 19 वैक्सीन है जो 15 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही है। कोविन पर 50,28,739 बच्चों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मध्य प्रदेश में आज करीब 7.5 लाख युवाओं को पहले दिन ही वैक्सीन लगाई गई। इस आयु वर्ग के सभी 48 लाख युवाओं के टीकाकरण के लिए 20 जनवरी को महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात ने 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को लगभग 5.5 लाख वैक्सीन लगाई, कर्नाटक में लगभग 4 लाख, आंध्र प्रदेश में 4.2 लाख, राजस्थान में 3.5 लाख। कुछ बड़े राज्यों में टीकाकरण अभियान अपेक्षा से कम रहे। इनमें उत्तर प्रदेश में 1.6 लाख ही वैक्सीन लग सकी। उत्तर प्रदेश को वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं बिहार में भी मात्र 1.6 लाख वैक्सीन लग सकी है। इधर दिल्ली में भी आयु वर्ग के करीब 21,000 वैक्सीन लग सके, जबकि यहां इस वर्ग के 10 लाख से अधिक युवा हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 24 दिसंबर को कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत बायोटेक की कोविड 19 रोधी वैक्सीनेशन टीके के आपात स्थिति में उपयोग की स्वीकृति दे दी थी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।